नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ज्योत्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आज आपण इयत्ता पाचवीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांचाहीत अभ्यासणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण चाळीस गुणांची आहे आणि वेळ हा दोन तासाचा देण्यात ता आलेला आहे पा विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला पाचवीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता पाचवी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे ती प्लेलिस्ट लिस्ट पा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा देखील सराव करा प्रश्न पहिला अ रिक्त स्थानों की पूर्ति करो पाँच अंकों के लिए है एक राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढे हो चुके थे हम उत्तर सहित पड़ेंगे दो जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है तीन आज मेरा डैश डैश है चार सुंदरपुर गाव में रामदीन नामक किसान रहता था और पांचवा प्रश्न है परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है प्रश्न पहले में से ब प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो पांच अंकों के लिए पांच प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं पहला प्रश्न रामदीन कहाँ रहता था उत्तर रामदीन सुंदरपुर गांव में रहता था दूसरा प्रश्न तबस्सुम कहा रहती थी उत्तर तबस्सुम पाठशाला के समीप रहती थी तीसरा प्रश्न आपको कौन कौन से खेलों में ज्यादा रुचि है उत्तर मुझे कबड्डी और खो खो इन खेलों में ज्यादा रुचि है चौथा प्रश्न बूंदे सागर से कैसे मिलती है उत्तर धरती से नालों नदियों में बूंदे सागर से मिलती है और पांचवा प्रश्न है कर्मवीर कैसा युवक था उत्तर कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था प्रश्न कविताओं की पंक्तियां पूर्ण करो चार अंकों के लिए है हम उत्तर सहित पढ़ेंगे एक रिमझिम रिमझिम गाती बुंदे धरती पर है आती बुंदे दो धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बुंदे प्रश्न दूसरे में से व प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो एक सागर समुद्र दो शीतलता ठंडा, तीन नदी सरिता और चार बाग उपवन प्रश्न तीसरे में से अप्रश्न चार अंकों के लिए निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो एक योग्य अयोग्य दो बाहर अंदर तीन मेरा तेरा और चार सुख दुख प्रश्न तीसरे में से बह प्रश्न वाक्यों में प्रयोग करो दो अंकों के लिए है पहला शब्द है शीतल नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है और दूसरा शब्द है हमेशा आपको देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है प्रश्न तीसरे में से क प्रश्न किसने किससे कहा दो अंकों के लिए एक हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं रामदीन ने अपने चारों बेटों से कहा दो तुम सब थके हुए क्यों हो हरिनाथ ने रामदीन के बेटों से कहा क प्रश्न स्वर लिखो दो अंकों के लिए हमने स्वर वहां पे लिखे हुए है प्रश्न चौथा और इ चिन्ह को पहचानो दो अंकों के लिए चार चिन्हों को आपको पहचानना है पहला जो चिन्ह है वह है पूर्ण विराम दूसरा चिन्ह है अर्ध विराम तीसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा चिन्ह है अल्प विराम प्रश्न चौथे में से वह प्रश्न जन्मदिन पर भेंट कार्ड तैयार करो पांच अंकों के लिए है देखिए इस प्रकार का भेंट कार्ड आपको तैयार करना है आगे है प्रश्न पांचवा निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखो पांच अंकों के लिए तीन विषय दिए हुए है मेरी माँ मेरी पाठशाला रक्षाबंधन उसमें से हम मेरी माँ इस विषय पर निबंध पढ़ेंगे मेरी माँ एक सीधी साधी महिला है वह बड़े सवेरे उठती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है बाद में वह मुझे और मेरी छोटी बहन को पैर से जगाती है इधर हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं और उधर माँ हमारे लिए नाश्ता तैयार कर देती है माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी माँ घर में सभी चीजों को सजा कर रखती है उसके कारण हमारा घर हमेशा साफ सुथरा और ठीक ठाक रहता है मेरी माँ घर के सभी कामों में कुशल है वह सिलाई और बुनाई में भी निपुण है वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर मेरी पढ़ाई का ध्यान रखती है वह हिसाब किताब में कुशल है मेरी पड़ोसियों की भी मदत करती है मेरे मित्रों के साथ भी उसका व्यवहार सदा स्नेह भरा रहता है सचमुच मेरी स्नेह की मूर्ति है सभी लोग मेरी मां का बखान करते है विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण पाचवी हिंदी या विषयाची प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासली व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा जेणेकरून या पुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी वर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल